उत्तरी ध्रुव के मालिक मौलिक को जगाने की हिम्मत किसने की बताओ, वरना हमेशा के लिए यहाँ जमा जाओगे। एक कैदी राक्षस के मुंह से ऐसी धमकी, अपनी बर्फ को थोड़ा इस इलाके से बाहर क्यों नहीं फैलाते? मेरा काम मानोगे तो तुम्हें आजाद कर दूंगा, समझे? मेरे मालिक स्केलेटन किंग, आप मुझसे चाहते क्या हैं? बस तुम्हारी बर्फीली धूल की थोड़ी सी बौछारे शुगाजुन शहर को तबाह करने के लिए। भयानक कड़कड़ा की सर्दी। शहर के बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी प्राइमेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट मंत्री जाग उठे और मुझे चीरो को उनका हीरो बना दिया गया। हमारा काम शुगाजुन शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। मुझे यकीन नहीं होता। स्नो एंड शुगाजुन, एन इंट्रीगिंग क्लाइमेट कंडीशन। उसमें ऐसा भयानक मौसम कमाल की बात है। शायद मुझे बर्फ को थोड़ा जांच कर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा नजदीक से देख लो। ऐसा मजाक ठीक नहीं इस बात। ये सही नहीं है। बर्फ की गोले। क्या बात है नोवा, तुम्हें बर्फ पसंद नहीं? हाँ मुझे पसंद है, पर ये सर्किट को ठंडा कर देती है, फल को जमा देती है और उंगलियों को सुन्न कर देती है। छोड़ो अभी, ये इतनी भी बुरी नहीं है। सॉरी बच्चे। स्पर्क्स, कोई सुपर रोबोट के अंदर खड़े होकर बर्फ के गोलों से नहीं खेल सकता। शांत हो जाओ नोवा, अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो। तुम्हें याद है जब तुम्हें पिछली बार गुस्सा आया था? हाँ मुझे याद है। क्या क्या हुआ था पिछली बार, तुम क्या बात कर रहे हो? घबराने की बात नहीं बच्चे। ये तो बहुत पुरानी बात है। बर्फ इस तरफ आ रही है। सब लोग अंदर चलो जल्दी। ठंड से मेरी पूंछ अकड़ गई है। वो क्या है? यहाँ इतनी ठंड क्यों है ऑटो? रोबोट के थर्मल सेल्स ठंड से जम गए हैं, लेकिन बाहर तो इससे भी बुरी हालत है। तो ये बात है, बर्फीला तूफान आने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है नोवा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आखिर इस बर्फीले तूफान की वजह क्या है। हाँ चलो, इस तूफान के सोर्स का तो पता चल ही गया। हाँ ये तो नामुमकिन है। हमें भी बताओ गिब्सन। इस बर्फीली तूफान का केंद्र ऊपर आसमान में नहीं बल्कि जमीन के नीचे गहरी बर्फ में है। क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? लगता है कुछ अजीब शक्तियाँ कुदरत से छेड़छाड़ कर रही हैं। और हमें इसका पता लगाना होगा। बिल्कुल। तुम क्या पता लगाने जाओगी? तुम हमारे लिए खाना बनाओ और जोरदार खूसा तुम्हारे लिए मैं जा रही हूँ। ऐसे
लेट नहीं चल पाएंगे, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। जीरो, हम तूफान के सोर्स के पास पहुंच रहे हैं। असल में हम तो बिल्कुल पास हैं। वहां देखो, ये क्या चीज है? मुझे तो लगता है कि ये बर्फ का ही कोई हिस्सा है। शानदार है, अजीब है, बहुत प्यारा है। इधर आओ तुम। ऑटो, जरा संभल कर। ओ एंटोरी, तुम ज्यादा ही देख रहे हो। बचने की तैयारी करो टीम। वार्निंग, डिस्ट्रक्टो स्टार। बस हिलना नहीं। संभाल कर गिब्सन, झुक जाओ। शायद बर्फीले तूफान के पीछे इन्हीं कहा दे। गिब्सन, तूफान के सोर्स से हम कितने दूर हैं? जीरो, मेरे स्कैनिंग से पता चल रहा है कि हम सीधे इसके ऊपर। गिब्सन, पकड़ लिया। हिलना मत। हाँ, हम हिलेंगे नहीं तो हमें पकड़ नहीं पाएंगे, है ना? क्या हुआ, हम कहाँ हैं? ओ नहीं, ये लोग खतरनाक हैं। अब हमारी बारी है। हिल नहीं सकते, टेम्परेचर बहुत कम है। अपने एनर्जी सिस्टम को चालू करो, अपनी अंदरूनी गर्मी को बढ़ाओ अभी। अभी मैं मजा चखाती नोवा, अब इतना गुस्सा ठीक नहीं। गुस्सा भी सही समय और सही जगह पर करना चाहिए। अभी हमें दूसरे बहुत सारे काम निपटाने हैं। हाँ, हमें बर्फ तोड़कर लोगों को निकालना है। नहीं ऑटो, इन्हें ऐसे तोड़कर निकालना खतरनाक हो सकता है। ये सब लोग बर्फीली नींद की हालत में हैं। इन्हें पिघला कर निकालना होगा, धीरे धीरे। तूफान का सोर्स किधर है गिब्सन? उस तरफ, बर्फ की गहराई में। क्या तुम ठीक हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, कुछ मत कहो। ये बहुत पुरानी बात है चीरो, बहुत साल पहले की। मैंडरिन तब इस मंकी टीम का मेंबर था जो मुझे मौसमों का सामना करने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो तब भी कितना कम अकल था मैं जानती थी। मैं कांप रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंडरिन वहाँ खिड़की पर बैठकर मुझ पर हंस रहा था। अचानक कुछ हुआ, पता नहीं क्यों मैं इतनी गर्म हो गई कि ट्रेनिंग रूम की दीवारें तक पिघलने लगी। वाह!
चिरो, मैंने रोबोट को करीब करीब नष्ट कर दिया था। तब से मैं गुस्से पर काबू करने की कोशिश करती हूँ। मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कभी सच में मुझे गुस्सा आ गया तो किसी चाहने वाले को भी चोट पहुँचा सकती हो। ओह सच में, तुम पर वो बर्फ का गोला फेंकने का मुझे अफसोस है। जानती हो, तुम खुद को रोक नहीं सकते, तुम एक शरारती मंकी हो। ये सच है, तुम एक शरारती मंकी हो। यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कम है, हम तूफान के सोर्स तक पहुँच गए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। बर्फ में जमा दिया चिरो। अब वो और बर्फ के पुतले नहीं बना पाएगी, है ना? यहाँ पर अब तापमान बढ़ने लगा है। अब एक बात तो जाहिर है टीम, कि यही इस बर्फीली तूफान की वजह रही होगी। कमाल है, बाकी बचे नन्हे अजीब बर्फीले पुतलों की खबर लेते हैं, ताकि वो कोई परेशानी खड़ी ना करे। ध्यान रखो, पहले हमें रोबोट पर पहुंचकर अपने हीट रिसोर्सेज को रिचार्ज करना चाहिए। ओके, रोबोट पर वापस पहुंचते ही थोड़ा गर्मा गर्म सूप पी लें। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। क्यों? मैं अच्छा सूप बनाता हूँ। नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। वैसे मैंने बर्फ की जांच की और जांच में पाया कि वो असल में बर्फ तो है ही नहीं। बर्फ का हर जर्रा एक तरह का पिनेरियम लावा है, उन बर्फीले नन्हे शैतानों का शुरुआती रूप। तब तो मुझे इन्हें खाना नहीं चाहिए। एक्टिवेट नहीं कर सकते, मैं कुछ करता हूँ। चलो, तुम ऑटो की मदद करो बच्चे। इसे हम संभालते हैं। डबल मंकी अटैक। छोड़ दो इन्हें बर्फीली जादू करने। टीम जल्दी करो। चलते रहो, मेरे 96% ऊर्जा स्रोत खत्म हो चुके हैं, मैं थक चुका हूँ। तुम ये कर सकते हो गिब्सन। अच्छा हुआ बच गया। आ!
जल्दी। ऑटो जरा जल्दी करो। हो गया। सबको बचा लिया। हाँ, पर खुद की जान पर खेलकर। घबराने की बात नहीं है स्पार्क्स, वो बच गई है और वो और ज्यादा मजबूत हो गई है। क्या उनसे तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई? मेरी तो हुई। वो शायद इसलिए कि तुम इन्हें खाते रहे हो। मैंने जांच की है कि ये कोई कुदरत के बनाए हुए प्राणी नहीं थे। असल में मुझे यकीन है कि इन्हें किसी रहस्यमय ताकत ने पैदा किया था। हमारे बीच एक समझौता था, अगर मैं शुगाजूम शहर को जमा दूं तो आप मुझे आजाद कर देंगे। हाँ, यही समझौता हुआ था मॉरलैथ। मैंने तुम्हें आजाद करने का वादा किया था, पर तुम्हारी शक्तियाँ बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करके अपनी शक्तियों में शामिल करता हूँ। मैं अब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी जादुई शक्तियों का भी मालिक हूं।